मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इफ आई वर यू। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, वो है गेरार्ड एंड इंट्रूडर। इंट्रूडर क्रिमिनल है और गेरार्ड बहुत अच्छा आदमी है। तो सीन में ये है कहानी कि Geralt, why this is a surprise? Presently, bola, एक मिनट। हाँ, उसने अपना फोन डायरेक्टली रखा और फिर yes, I accepted, I will still be here, but you must not count on that. I'm in about 10 minutes time, right? Ho, goodbye. कुछ ऐसी बात होगी जिसके लिए उसने बोला कि 10 मिनट में मैं आ जाऊँगा, फ़ोन पे ही बोला। फिर बोला उसने यस वैस ये सब बोला। फिर गेरार्ट ने बोला कि आखिर ऐसे क्या है जो मुझे सरप्राइज कर रहा है, जब इसमें ऐसे क्या है जो मुझे सरप्राइज कर रहा है। आई मीन ट्रूडर कि मैं एकदम ग्लैड हूँ तुम्हारे इस प्लीजेंट कि मुझे देखने पे। कोई भी क्रिमिनल तो एकदम शॉक हो जाएगा ना कि उससे वो तो डर ही नहीं रहा है, अच्छा आदमी है। तो वो एकदम ग्लैड मीन्स क्या, शॉक। आई डू नॉट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर नो। मैं नहीं सोचता कि तुम कोई जल्दी प्लीज्ड हो जाओगे। पुट दोज पावर्स अप, तुम अपने हाथ ऊपर रखो। गेरार्ट ने बोला दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट मतलब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल क्या रहा है, ये कुछ ज़्यादा हार्श नहीं हो रहा है, ये लग ही नहीं रहा है मुझे ओरिजिनल। लेकिन तब इंट्रोड्यूसर बोला ट्राइंग टू बी काम, मुझे काम बनाने का तो सोचना नहीं। तो फिर गेरार्ट बोला कि आप नॉट चैलेंज्ड इज योर वर्ड। आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि आपका जो ये कैरेक्टर है ना, उसके अंदर आपका ये नॉन चैलेंज्ड होना चाहिए। तो फिर इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, कम से कम अब तो समझ में आई तुम्हें, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। अब तुम बहुत जल्दी तुम्हारी स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी। आई विल मेक यू क्राउल, मैं तुम्हें क्राउल बना दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बारे में कुछ जानने का। तब गेरार्ट बोलते एनीथिंग यू लाइक, आपको जो जानना है मेरे बारे में आप जानिए। आई नो ऑल द आंसर, मुझे पता है सबका जवाब। बट बिफोर वी बिगिन, पहले बिगिन मतलब शुरू होने से पहले, मुझे इस पोजिशन में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा। अगर आपको लग रहा है तो हो रहा है, लेकिन मुझे तो फील नहीं हो रहा है। इंट्रोड्यूसर ने बोला बैठ जाओ और मेरे सामने कोई मुझे बेवकूफ बनाने को कोशिश मत करना। नाउ दे, फिर उसने बोला वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, हम लोग एक नाइस लिटिल टॉक करेंगे तुम्हारे बारे में। तो गेरार्ट बोला एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, I will tell you the story of my life. मतलब उसने बोला आखिर कोई तो चाहता है मेरी जिंदगी के बारे में कि मैं कब कब क्या क्या मेरे साथ हुआ, मेरा बचपन कैसे गुजरा, मैं 32 years के समय में मैं किडनैप हो गया था और इस वजह से मैं आज के डेट में अकेले रहता हूँ। हाँ, तो इंट्रूडर ने बोला कि
अपनी बात है अपने पास रखो, हम जो तुमसे क्वेश्चन करें उसकी जवाब दो, ठीक है? तो तुम यहाँ अकेले रहते हो? उसने बोला कि आई एम सॉरी, मतलब बोला उसकी, मतलब उसने जो बोला ना, वो मतलब उससे तो उसने क्वेश्चन भी नहीं किया था तब भी वो आंसर दे रहा है, वगैरह वगैरह बता रहा है, तो इसलिए उसकी वजह से स्टूडेंट जो बोला कि तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर था वो, तो उस वजह से उसने सॉरी कही है। अब आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। मैं ये सोच रहा हूँ आपको बताने का कि आप मुझसे नहीं पूछोगे क्वेश्चन में जो कि इन्फ्लेक्शन होगा उसका वॉइस भी अनफैमिलियर होगा। Intruder, do you leave her here alone? उसने बोला अगर मैं जवाब ना दूं तो तो intruder बोला you have got enough sense not to want to get hurt, क्या तुम, हाँ तो ठीक है मैं तुम्हें गन से मार दूंगा और वैसे भी तुम्हें उतना तो दर्द होगा मेरे। I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than the mere desire to do so. What do you think? तो उसने बोला ये अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा सेंस है ना ये शो करने का अपना एबिलिटी, ताकि हम अवॉइड कर सके पेन को, हाँ तो क्या सोचते हो आप? इंट्रोड्यूसर ने बोला नेवर माइंड माय नेम, सोचना भी मत मेरे नाम का पूछने का। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेराट, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? मिस्टर गेराट तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? तो उसने बोला विंसेंट चार्ल्स। इंट्रोड्यूसर बोला क्या तुम कार चलाते हो? उसने बोला नहीं। तो उसने इंट्रूडर ने बोला झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, आई एम नॉट अ फूल, फूल मीन्स बेवकूफ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे सामने स्मार्टनेस मत दिखाना, ऐसी बातें बोलने लगा, मेरे सामने एकदम केयरफुल रहो। तो गेराट ने बोला कि आर यू अमेरिकन और इज दैट मेरे क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकन हो या फिर मुझे क्लेवर बनाने का कोशिश कर रहे हो आप? इंट्रूडर ने बोला सुनो, मैं इसी गन से, ये गन कोई टॉय खिलौना नहीं है, इससे तुम्हें मारूंगा और तुम्हें लग जाएगी तुम मर जाओगे। क्या अब तुम्हें जवाब मिल गया? उसने ही बोला, गेराट बोला हाँ ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर आप उस तरीके से रखोगे तो आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मैं बहुत ही ग्लैड हूँ आपको असिस्ट करने में। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। इंट्रूडर दैट्स बेटर, बहुत अच्छा है। Do people often come out here? क्या people यहाँ बाहर निकल करके मतलब basement में आते हैं हर हमेशा? तो उसने बोला कि तो कभी कभी आते हैं, कि सब्जी वाले आते हैं और कचरे वाले आते हैं, कि कभी कभी आते हैं। तो बोला कि क्या तुम अपने आप सब्जी नहीं खरीदने जाते? तो उसने बोला कि यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, क्या आप ये सोच सकते हो कि मैं उतने सारे अमाउंट ऑफ मनीज लेके आऊँ और जाऊँ, ये इतना ट्रबल लूँ? आई कुड फील यू प्लेंटी, मैं इससे ज़्यादा दिमाग भी लगाता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम एकदम ही स्मार्ट हो, लेकिन
मेरे सामने तुम होगे स्मार्ट, लेकिन मेरे सामने स्मार्टनेस मत दिखाओ। हाँ, आई हैव गॉड ब्रेन, मेरे पास भी दिमाग है और मैं अपना दिमाग यूज कर सकता हूँ। एंड अब मैं किस तरीके से यूज करूंगा वो भी तुम्हें नहीं पता चलेगा। गेराल्ट ने बोला कि एंड वेयर प्रीसीसली हैव यू गॉट, इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। इंट्रूडर बोला, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज। गेरार्ड ने क्या बोला कि एक तो तुमने मेरा घर का मिरर को फोड़ करके अंदर घुस गए, और आप बोल रहे कि आपके पास बहुत ज्यादा ब्रेन है। तो इंट्रूडर बोल रहा है कि हाँ मैंने किया ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो गेरार्ड बोला, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली विथ इट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेंस और आर नॉट यू आर अ स्पेशलिस्ट। कि क्या तुम स्पेशलिस्ट हो या फिर मर्डरर हो? तो बोला इंट्रूडर कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ ज्वेलरी का, ज्वेलरीज को मैं चोरी कर लेता हूँ। तो गेराड बोला कि यहाँ तो आप गलत जगह पे आ गए, आपके यहाँ पे कोई भी ज्वेलरीज नहीं रखता है अपने पास। तो इंट्रूडर बोला कि हाँ मुझे पता है, यहाँ भी यहाँ तक ये भी देख रहा हूँ कि कोई तो यहाँ पे चोरी करता है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पुलिस ऑफिस भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सुरक्षित रह सकता हूँ, मुझे कोई भी पुलिस आकर के मुझे पकड़ नहीं सकती है। ताकि वो पुलिस से बच सके इसलिए। तो यू मीन टू लीव विथ मी, क्या आप ये चाहते हो कि मेरे साथ आप रहो? एंड ट्राइफल सडन इज नॉट इट, और आप ट्राइफल भी ना लगाए, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, आप कोई इनवाइटेड नहीं हो। इंट्रूडर बोला, हाँ इनवाइटेड तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हें जल्दी ही इस गन से मार दूंगा। तो उसने बोला, क्या व्हाट डू यू मीन? तो इंट्रूडर बोला, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे बहुत ही बिग सरप्राइज है, एंड आई एम गोइंग टू किल यू, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो गेरार्ड बोला, अ लिटिल हार्श, क्या तुम जो अब हार्श नहीं बोल रहे हो? तो इंट्रूडर बोला, आई एम सॉरी टू डू दैट, मैं सॉरी कह रहा हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन आप मुझे करना पड़ेगा अपने लिए। तो गेरार्ड बोला, व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, क्यों आप मर्डर को अपना दूसरे क्राइम के साथ कर रहे हो? हाँ, तो उसने बोला कि मुझसे ज़्यादा फन टॉक मत करने की कोशिश करो, मैं अभी तुम्हें ही मार डालूंगा, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, ऐसे ही ट्वाइस बार बोल चुका था। तो गेरार्ड बोला, यू आर प्लानिंग अ ग्रैटुइटस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट वॉट यू टू गेन, कि आप ये प्लान कर रहे हो ताकि आप मेरा आइडेंटिटी ले करके आप मेरे इस घर में आके रह सकें। तो इंट्रूडर बोला, हाँ फ्रीडम की वजह से, तुम तो विंसेंट चार्ल्स हो ना, तो मैं वहाँ रहूँगा। तो गेरान बोला, इन मोस्ट मेलोड्राम्स, इन मोस्ट
इन मोस्ट मेलोड्राम्स द विलेन इज फूलिश. इस ड्रामा में विलेन एक नंबर का फूल होता है. एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड. यू आर मच लकियर. आप बहुत ही लक्की हो. I am okay. I have got a reason for everything. मेरे पास हर चीज़ का रीज़न है. मैं तुम्हारे इस बार सेंट चार्ल्स गेराड में रह सकता हूँ. I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. ये अभी Mr. V.C. Gerard बात कर रहा है. एंड दैट्स नॉट टू ऑल. नाउ टेक अ लुक एट मी. अब मेरे ऊपर लुक लो. यू आर नॉट पर्टिकुलर डेकोरेटिव. आप कोई डेकोरेटिव पर्सन तो हो नहीं. तो इंट्रोड्यूसर बोला नो मैं तो हूँ नहीं, लेकिन That goes for you too. I have only got to wear spies and I will be enough like you to get away with it. Gerard, what about your clothes? They will let you down if you are not careful. Intruder. That will be all right. Yours will fit me fine. Gerard, that is extremely intersecting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You will not kill me for a very good reason. Intruder. So that's what you think, Gerard. You will let me go and thank God you did not shoot Sonar. Intruder, come on. What's on your mind? Better be quick. This conversation bores me. Gerard, your idea is to be elude the police by killing me and taking on my identity. Intruder, yes, I like the idea, Gerard, but are you sure it's going to help you? क्या आप sure हो ये आपको मदद करेगी? तो Intruder, now listen here. I have got this all planned. I did a job in town. Things went wrong and I killed a cop. Since then, I have done nothing but dodge. Get out. And this is where dodging has brought you, intruder. I brought me Arlesbury. That's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are a bit queer, kind of a mystery man, Gerard. A mystery which I propose to explain. So, intruder, you phone your address and something. You go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of the luckiest breaks, Gerard. Apparently, you have not the intelligence to ask why I am
have invested in this clock of mystery intruder. As I said before, this conversation bores me, Geraint. Do not be a fool. If you should, you will hang for sure. If not as yourself, then as Mr. Charles Geraint. Intruder, what is this, Geraint? This is your big surprise. I said you did not kill me, and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are crook. Do you think I am a Sunday school teacher? Game's up as far as I am considered. Things went wrong with me. I sent it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight, I am expecting trouble. My bag packed, ready to clear off. There is it is. मतलब वो अपनी झूठी कहानी बता रहा है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, मैं यहाँ से भागना चाह रहा हूँ ताकि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो मुझे पकड़ ना सके. अभी मुझे फ़ोन आएगी और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा. हाँ, इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गर्ल ऑल राइट. व्हाट्स ऑल दिस? उसने बोला ये एक बैग है, हा? और ये गन है, हा? तो अब ये सब क्या है? तो गेराट, दैट इज अ डिस्गुज आउटफिट, फॉल्स मोस्टैचेस एंड व्हाट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी? मतलब वो कह रहे हैं कि एकदम ही नकली मोचे वाला वो लेगा ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके पुलिस ऑफिसर से. इंट्रूडर, आई डू नॉट नो. गेराट, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मॉडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो. कम विथ मी इन द कार. आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स फ्रेम. यू हैव गॉट मी इन अ कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन. मैं तब ये कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ कार में बैठ जाओ. अगर तुम्हें लगे कि मैं फ्रेम कर रहा हूँ अपने तरीके से, तुम मुझे इस गन से मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तो गन है ही. इंट्रूडर बोला, मे बी यू आर राइट. शायद तुम कहीं राइट हो गए गेराट. Then do not waste time. तब तुम वेस्ट मत करो टाइम को. इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. केयरफुल रहो बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ. गेराट, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड. आई विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव. मैं चाहता नहीं हूँ छोड़ के जाने का. कम ऑन, दे आर आफ्टर अस थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज. इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? गेराट, ओह डू नॉट बी फूल. लुक फॉर योर सेल्फ. इंट्रूडर, लेट मी आउट ऑफ हियर. तो गेराट, हेलो, यस स्पीकिंग. Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I have had a spot of brother quite amusing. I think I will put it in my next play. Listen, can you tell our friends the sergeant to come up here at once? You will probably find him in the public park. मतलब क्या है ना इसमें कि जब वो सच्चाई बताने जा रहे हैं ना कि देख लो तुम ऊपर से ही वहाँ पे पुलिस हो गई, तो उसने उसको लेके
ढकेल दिया उस तरफ कपबोर्ड के अंदर, उसको बंद कर दिया। और फिर फोन भी बोला कि उसको ना ऐसे ऐसे करके बुला देने के लिए इधर। तो वो आई, हाँ मतलब वो पुलिस ऑफिसर जो था वो लोग आए, मतलब उसे बोला गया कि पब्लिक बार पे आने के लिए ताकि इस इंट्रूडर को भगाया जा सके। देखा गेरार्ड का कितना अच्छा दिमाग चला, उसने उसको फूल बना दिया।